ये जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में कि व्हाट इज एसेंशियल फॉर डिजाइन करियर, यानी आपको आर्ट करियर में जाना हो तो आपके पास क्या क्या एबिलिटी चाहिए। तो मोस्ट फर्स्ट एबिलिटी आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब बहुत वर्ड्स बहुत इजी है क्रिएटिविटी, बट उसको बोलते हैं इनोवेटिव थिंकिंग। सेकंड आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको जो भी चीज बाहर आप घूमते हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको बाद में व्हेन यू मेक इनोवेटिव थिंग उसमें उसका यूज होता है। और थर्ड पार्ट स्किल आता है। स्किल का मतलब वो कितना आप अच्छा बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे ही देखा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, सॉरी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना जब स्टूडेंट को स्कूल लेवल में स्पेशली, तो क्या बोलते हैं, सर उसको ड्राइंग में हाथ और पैर नहीं आता है, फिगर बनाना नहीं आता है। तो मेरा क्वेश्चन वही रहता है कि इस लास्ट रिक्वायरमेंट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट इन आर्ट कैरियर। रिमेंबर, अब फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे तो हाथ पैर नहीं आता रहेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आपको वहां क्रिएटिविटी को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और इनोवेटिव थिंकिंग जब हम बोलते हैं तो उसके भी बहुत से वे है। व्हाट इज इनोवेटिव थिंकिंग, अगर मैं ऐसे पूछूं तो आपका आंसर क्या रहेगा? आप अभी जरा वीडियो ऑन करना है सबने, तो जरा आप उन इंटरेक्शन अच्छे से कर सकेंगे। व्हाट यू फील, व्हाट इज इनोवेटिव थिंकिंग? बोलो, व्हाट इज इनोवेटिव थिंकिंग? समथिंग न्यू। समथिंग न्यू, ओके। और कोई? समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, विच बॉक्स? द कॉमन बॉक्स, जो सब लोग यूजुअली सोचते हैं, द यूजुअल थिंकिंग। एग्जैक्टली। तुम आउट ऑफ बॉक्स का मतलब क्या है? आप एक एग्जांपल दे सकते हैं? समथिंग न्यू वो भी सही है, आउट ऑफ बॉक्स वो भी सही है, बट व्हाट यू कैन गिव एग्जांपल? सर, सो लाइक यू सेड, लाइक यू हैव टू मेक, यू हैव टू बी विद द टाइम्स, सो इफ द टाइम्स आर चेंजिंग यू हैव टू चेंज टू। सो यू रिसेंटली टोल्ड हाउ इवन एन आर्किटेक्चर बस यही नहीं देखना है कि बिल्डिंग अच्छा दिखता है या नहीं, वी हैव टू सी इफ इट्स इको फ्रेंडली और नॉट, इफ इट्स यू नो नेचर फ्रेंडली। सो हाउ डू यू मेक इट नेचर फ्रेंडली इन एन इनोवेटिव वे? लाइक यू डोंट यूज द नेचर, यू डोंट यूज द नेचर लाइक सो एक्सटेंसिवली दैट एग्जॉस्ट, बट यूज इट सो दैट बोथ द पार्टीज गेट सम एडवांटेजेस। ओके, ऋषि ने बोला समथिंग न्यू, राइट? हाँ सर। ओके, और कोई? माही, अवनी? सर माही सो गई है। अच्छा है, मॉर्निंग स्कूल रहता है तो वो भी सो गई। हाँ, कोई वादा नहीं। अवनी, अनवी, सॉरी, व्हाट इज इनोवेटिव थिंकिंग? Innovation means creating something which isn't existing or creating something which is existing but creating it in something new. Something new, right? मैं जो बना रहा हूँ मेरे पहले किसी ने बनाया नहीं है, मैं ऐसे बोलूंगा, right? Yeah. तो इसमें आपको कुछ example मैं दिखाता हूँ कि what is innovative means, right? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी किसको इनोवेटिव, यानी आउट ऑफ बॉक्स जब हम बोल रहे हैं आजकल। तो मैं तो सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, अभी अभी बिफोर ओवर क्लास डांस का प्रोग्राम, बच्चों का डांस का, कौन सा क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूं, डांस का प्रोग्राम सोनी में आ रहा है, बरोबर है? आप देखते हैं कोई? हाँ सर, हाँ सर। आज वही 10 साल पहले के डांस के प्रोग्राम देखो,
दे आर जस्ट शोइंग दैट एट ए टाइम जस्ट डांस. अभी खाली डांस नहीं, उसके साथ क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है उनकी, एक एक थीम के साथ उसको जो प्रॉप्स को यूज करते हैं, एवरीवेयर यू विल फाइंड के इट्स अ क्रिएटिविटी. यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अरे ये सॉन्ग्स के लिए ऐसा डांस हो सकता है क्या. और कल के इसमें या पता नहीं, वो एक छोटी बच्ची आती है जो उसको खाने की बहुत आदत है, समोसा, और हर टाइम खाने को ही चाहिए उसको, छोटी बच्ची को. हाँ सर. तो उसके लिए सॉन्ग्स भी उसने ऐसा कुछ सिलेक्ट किया था, और वो पूरे सॉन्ग्स में वो खाने के ऊपर इम्पोर्टेंस दे के, जिस तरह से वो पिज्जा खाने के लिए पूरा जो सॉन्ग्स कुछ और था, बट पिज्जा खाने के लिए वो जो तत्व ये होती है, और कैसे पिज्जा खाती है डांस में, यू कांट इमेजिन कि पिज्जा खाना है. यानी वो पिज्जा नहीं खाती है, उसके साथ जो दूसरा डांस करे उसके लाइट बंद होती है और एक हाथ कट हो गया दूसरा, यानी वो आदमी को पिज्जा बनाया था जो उसका जो गुरु है उनको. तो आउट ऑफ द बॉक्स जो बोलते हैं ना, आज भी मैंने देखा आउट ऑफ द, यानी यू कांट थिंक कि एक गाने का डांस के साथ ये चीज ऐसे यूज हो सकती है, राइट. मगर मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल मेरा वर्क थोड़ा दिखाऊंगा जो इसके लिए थोड़ा और जरूरी है आपके लिए. ओके ओके. तो अभी मैं एक ग्रीटिंग कार्ड है वो दिखा रहा हूँ, और ये ग्रीटिंग कार्ड मैंने मेरे एक फ्रेंड के लिए बनाया था, और हम लोग मॉर्निंग वॉक में, हमारे फ्रेंड सर्कल, हम लोग मॉर्निंग वॉक में 18 जन हैं, और बहुत सालों से ग्रुप है हमारा, और हम, और ये जो जिसके लिए मैंने बनाया है ना, वो दिन में कम से कम 20-25 तो व्हाट्सअप डालता था, यानी डालते हैं अभी भी, डालता था नहीं, अभी भी डालते हैं. तो हमने सोचा कि उसको व्हाट्सअप पे तो डालना ही है रोज, जैसे हम लोग हर एक के बर्थडे में आजकल ग्रुप में डालते हैं, बट मैंने वही प्रोसेस को उल्टा कर दिया, मैंने फिजिकल कार्ड बनाया. बट कैसा बनाया वो देखना. अभी देखो ये क्या है, ये कार्ड ही है, पर मैंने ऐसे एक एक पार्टी, जितने हमारे फ्रेंड सर्कल है, जैसे हम लोग ऊपर डीपी चेंज करते हैं, मैंने उनका फोटो डाल के उसका ये डाला, फिर एक केक का फोटो डाला, और हमने सब, मैंने सबके पास से उसको क्या मैसेज डालना है वो भी सबसे ले लिया था. तो एक केक डाल के एक मैसेज, तो ये मोबाइल का डिजाइन, यानी मोबाइल में जैसे दिखता है वैसे ही मैंने उसके लिए पूरा ये कार्ड बनाया, जो हर एक पेज पे हर एक फ्रेंड का एक 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 एक, एक 17 लोग का ऐसे बनाया हुआ, राइट, ऐसे ये देखो. और ये पूरा कार्ड ऐसा लंबा है, अखा अखा ऐसा, राइट. तो अभी ये कार्ड, आप बोलते कार्ड बोला तो क्या होना चाहिए, वो दो पेज का ऐसा ही कार्ड, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, राइट. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. फिर और एक एग्जांपल देता हूं जो इससे भी बेस्ट है. अभी ये एक इन्विटेशन कार्ड है, ओके. बट ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का लास्ट टू लास्ट ईयर का जो एनुअल एग्जीबिशन होता है उसका है, ओके. ये आप देखेंगे कि एक इनविटेशन कार्ड है जिसको एनुअल एग्जीबिशन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का है, और आपको ये मैटर और सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, बरोबर है. अभी मैं इसको कुछ अलग निकालता हूं बाहर, और फिर क्या होता है देखना. अभी जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो कलर वाला हो गया, और अंदर डाला तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया. हाउ इट्स पॉसिबल, एंड इसमें कोई ये नहीं है, इसे जस्ट दिमाग का यूज किया है. तो आप कोई बोल सकते हैं इसमें क्या आइडिया है, आप कवर के अंदर डाला तो ब्लैक एंड व्हाइट है, कवर के बाहर रखा, बाहर निकाला तो कलर बन गया वो. कैन यू इमेजिन ये क्या हो सकता है, आइडिया. यस सर. ये पूरा अंदर इसमें एनवेलप में ऐसे फ्लैप बनाया है. ये मेरे को देखो, ये बार का अलग है, इसके बीच में एक फ्लैप है ऐसा, और ये है, यानी अंदर बीच में ये है कवर ऐसा, राइट. और इसको भी एक ऊपर है वो ट्रांसपेरेंट शीट है जिसको ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग किया हुआ है ऐसा, यानी प्रिंटिंग किया हुआ है, नॉट ड्राइंग,
और अंदर है वो खाली कलर वाला जो पोर्शन है वो कलर प्रिंट किया हुआ है, और जब मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो दोनों साथ में दिख रहा है। इट मीन्स जब इसके अंदर वो डाला तो मैं डालते वक्त वो फ्लैप के पीछे की तरफ वो कलर वाला ड्रॉइंग डालूंगा, ओके, और आगे की तरफ वो ट्रांसपेरेंट शीट आने देता हूँ। अभी मैंने अंदर ऐसे डालते वक्त ऐसे डाला, देखो राइट, उल्टा डाल दिया, दोनों अंदर चले गए, ट्रांसपेरेंट हो गया। बट ये आपको आइडिया आने के लिए कि व्हाट इज इनोवेटिव मींस। अभी ये वापस है, समझ गया, ऊपर निकाला कलर वाला बन गया, सो दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव। सेम वे ये भी एक है, ये पता नहीं कोई बार टिंगा के गया था, मतलब ये भी कितना इंटरेस्टिंग पिज्जा का होम डिलीवरी के साथ ये है, जैसे अपना ये है, मतलब ये पूरा डायरेक्ट हम पेम्पलेट बनाते हैं ना, ये पेम्पलेट के बदले डोर में ऐसा लटका के गया था, तो दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव। फिर उसके बाद ये एक है, ये आपको दिखता होगा, अभी इसमें ज्यादा दिख नहीं रहा है, आपको रिवर्स में दिखाना पड़ेगा ऐसा। ये एक मोबाइल कंपनी का सॉरी मोबाइल की दुकान का विजिटिंग कार्ड है, राइट। अभी इसमें आप सोचेंगे कि इसमें क्या स्पेशल है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। अभी इधर और एक दिखाता हूं उसका ही, ये देखो अभी, अभी इसमें क्या स्पेशल है आप सोचेंगे, तो ये विजिटिंग कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैंने ये पूरा फिल्म जैसा लिया, प्लास्टिक शीट, जैसे अपना आजकल इसके ऊपर आप स्क्रीन, कांच का स्क्रीन एडिशनल लगाते हैं, उस पर प्रिंटिंग किया है, ओके। उसके बाद जो जो हम जैसे एड्रेस बोलते हैं, तो हम नॉर्मली विजिटिंग कार्ड में एड्रेस बोलते हैं, इसमें डायरेक्ट गूगल मैप का सिम्बॉल दिखाया है, आप फोन नंबर है तो डायरेक्ट वो दिखाया है, तो मैंने डायरेक्ट मोबाइल के ही चीज यूज की उसमें, आइकन बोलते हैं इसको, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव थिंकिंग, यानी आउट ऑफ बॉक्स जो हम बोल रहे हैं, राइट। तो अभी ये जो भी आपको अभी एक्सप्लेन किया, अभी इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, और सबसे पहला क्वेश्चन मुझे मालूम है क्या आएगा, कौन से फील्ड में स्कोप ज्यादा है, राइट। अभी आप फिर वापस वीडियो ऑन कर देंगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स का क्या रहता है, मुझे आर्ट लाइन तो लेनी है, अभी ठीक है आपने बता दिया ये फील्ड है, मगर विच इज बेस्ट, कि जिसमें स्कोप किसमें ज्यादा है, राइट, ये क्वेश्चन है आपके माइंड में, यस सर, राइट। तो व्हाट यू फील, स्कोप किसको बोलते हैं सर, व्हाट इज स्कोप सर, वेयर देयर इज मोर चांसेस ऑफ ग्रोथ, हां, वेयर देयर इज मोर चांस ऑफ ग्रोथ, वेयर, वेयर देयर इज मोर चांस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ व्हाट, मनी, एवरी मनी और समथिंग एल्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग मनी, no, it's not including money, it's a money only, scope means money, आपका तो right है, हमको तो पहले कौन से field में पैसा मिलने वाला है तो फिर वो field select करूंगा ना मैं, simple logic है ये, truth है ना, है कि नहीं है बोलो, yes sir, बराबर है, yes sir, तो फिर हमारे घाटकोपर में कौन रहते हैं, वो खाओ गली में आने का, ओके, डोसे वाले का लारी डालने का पैसा ही पैसा है, आपको घाटकोपर का डोसे वाले का मालूम है क्या, यस सर, उसको इनकम टैक्स का रेट गिरा था, आप सोच सकते हैं डोसे वाले के ऊपर इनकम टैक्स का रेट,
तो पैसा चाहिए तो वही करो ना, व्हाई यू हैव टू जॉइन दिस, ये सब 5 साल बिगाड़ो 3 साल बिगाड़ो, डोसे वाले का लारी डाल दो, मस्त काम हो जाएगा आपका. सो स्कोप इज नॉट मनी, रिमेम्बर, स्कोप इज विच आर द एरिया विच आफ्टर ग्रेजुएशन आई कैन वर्क. यानी आप फैशन डिजाइनिंग करेंगे तो फैशन डिजाइनिंग करने के बाद मेरे पास क्या क्या स्कोप है कि मैं एज ए फैशन डिजाइनिंग काम करूँ या मर्चेंडाइजर करके करूँ या ये करूँ या वो करूँ. जैसे मैंने आर्किटेक्चर का दिखाया, ठीक है, और आर्ट में एक स्टेटमेंट है, योर वर्क विल स्पीक. अभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन करता है, फिर सर ये कोर्स कौन सी इंस्टीट्यूट से करना चाहिए, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. हाँ ठीक है, आपने बोला स्कोप स्कोप नहीं है, बट मुझे ये कोर्स करना है, विच इज बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो वो भी कंपल्सन नहीं है. आपका काम अच्छा है, आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे, आर्ट में कोई लेबल काम नहीं आता है. अगर लेबल काम आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्किटेक्ट को रखता हूँ मेरे पास जॉब के लिए, ठीक है, मैं 2 महीना देखूंगा 3 महीना देखूंगा, मैं क्या देखूंगा कि मेरा जो काम है वो कितना वो अच्छे तरह से कर रही है. वो कौन सी कॉलेज से किया वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तो हो सकता है मैं लेबल के लिए शुरू में उसको ले लूंगा, बट बाद में हु विल बी ऑन टॉप. आपका काम किसका अच्छा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. आर्ट में ये भी एक जरूरी, इसलिए कॉलेज है, अरे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ इसके लिए आप कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर लो, बट आप कोई भी कॉलेज से करो. आज जैसे मैंने ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया, वैसे और एक आर्किटेक्ट है, ओके, जो अभी वो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर के बाद टॉप मोस्ट वो है, बट उसने जो आर्किटेक्चर के लिए हम रैंकिंग बोलते हैं ना, तो जो लोएस्ट रैंकिंग वाला कॉलेज है ना उसमें से कोर्स किया हुआ है आर्किटेक्चर, बट ही इज द सेकंड टॉप मोस्ट इन इंडिया आफ्टर ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर. सर हाँ बोलो. सर हु इज दैट सेकंड टॉप मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर? आप जो भी पूछ रहे हैं ना, आपका या तो आपका साउंड बरोबर क्लियर नहीं है, या आप हेडफोन नहीं यूज कर रहे हैं, या आप आगे से नहीं बोल रही हैं, तो कुछ समझता नहीं है. कौन पूछ रहा है? सर कृष्टी. हाँ हाँ पूछो. Whom were you talking about, that person? Can you tell its his name? क्यों, वो क्या करना है आपको? बस जानना है. आपको आर्किटेक्चर करना है और उसको मिलना है? नहीं, बस जानना है. उसका नाम है जुबिन. ओके. उसका कंपनी का नाम है ZZ. ओ ओके. ओके. आप जुबिन ZZ आर्किटेक्ट करके गूगल सर्च मारना, उसके प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेंगे. ओके ठीक है. एनीथिंग एल्स, आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन, वो मैंने बोला आपको. मैं ऑलरेडी मैं बुकलेट आप लोग को अभी आफ्टर लेक्चर आपको ईमेल आईडी भेजना है, सुबह को मैं सबको मेल थ्रू वो बुकलेट PDF फाइल भेजूंगा, राइट? अदरवाइज एनी क्वेश्चन यू हैव? हाँ? ये कमर्शियल में इंटरेस्ट है तो 12th के बाद आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने बोला कि इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन ये गए साल ये साल 2 साल से एग्जाम ही नहीं हुई है. और तो ये छोटी है ना, अभी ये साल के लिए रूल चेंज हो गया है, दे विल नॉट कंसीडर इंटरमीडिएट. गवर्नमेंट में होती है ना एलिमेंट्री इंटरमीडिएट. बरोबर है, मगर अभी 2 साल नहीं हुआ. नहीं, ये अभी कौन से स्टैंडर्ड में है? अभी इतना आई. हाँ 8th स्टैंडर्ड. हाँ तो अभी क्यों सोचते हैं, आपको 12th के बाद है, अभी तो अगले साल भी एग्जाम दिया तो भी हो जाएगा, राइट? मैं कैसे है ना 7th में ही उसका फॉर्म देते हैं. नहीं फॉर्म देते हैं ऐसा कुछ नहीं, 11th वाले भी एग्जाम देते हैं, 20 ईयर की एज वाले भी देते हैं और 30 ईयर की एज वाले भी इंटरव्यू. ऐसा कोई रूल नहीं है कि एज में ही देना चाहिए. मुझे लगा कि अभी शायद होगी या नहीं होगी. नहीं नहीं, इट्स नॉट अ रूल. 7th में हम लोग सजेस्ट करते हैं, क्योंकि 7th में एलिमेंट्री दे दिया, फिर 8th में इंटरमीडिएट, क्योंकि आजकल स्कूल का भी बर्डन इतना है, 9th के बाद वो दे नहीं सकते. हाँ 9th-10th में क्या एग्जाम्स के वजह से प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता. यस यस, इसके लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं
बट आपको तो वो उसके बारे में अभी सोचना ही नहीं है ना, अभी तो आइट में है, ठीक है। तो अभी मैं है ना थोड़ा सा कुछ मैं क्या करता हूँ वो भी जरा दिखा देता हूँ, मेरा काम भी, तो आपको थोड़ा वो भी आइडिया आ जाएगा। भी बहुत लेट हो चुका है, मैं फटाफट करूंगा। अभी सबसे पहले तो मैं अभी जो ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो ये सब वर्क है जो ऑलरेडी मैं कोर्सेस ले चुका हूं अभी तक 30 से। देखा तो हाँ वीडियो नहीं देखा तो फिर ऐसे ही हुआ। अरे भगवान,